हजरात एक ऐलान आप समाप्त कर लें। शब्बीर बरकाती की तरफ से ये ऐलान हुआ कि जितना पैसा भी मिलेगा, जो भी मिलेगा नजराने के तौर पर, सब आस्ताने को मैं दे दूंगा। सुभान अल्लाह, जोर से बोलें, जोर से बोलें सुभान अल्लाह। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत जिगर की बात है दोस्तों। सुभान अल्लाह। हां उठ के जाओ मदीने से, क्या कोई सुभान अल्लाह। एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, अगर समझ जाएंगे तो दोनों हाथों को उठाकर बोलेंगे सुभान अल्लाह। एक आशिक के रसूल पहुँचे मदीने शरीफ में। अच्छा है, बहुत उम्दा। पहुँचे मदीने शरीफ में, वाह वाह वाह, और बैठे हैं गुम्बद खजरा के सामने, इबादत कर रहे हैं। सामने देखा तो सामने से एक बिल्ली आ रही है। बिल्ली पर नजर गई, बिल्ली आई पास आकर बैठ गई। जैसे पास आकर बैठी, बिल्ली के सर पर हाथ घुमाने लगे। जैसे हाथ घुमाया, बिल्ली से मोहब्बत हो गई। बिल्ली से जैसे मोहब्बत हो गई, सोच लिया, दिल में ख्याल कर लिया कि इस बिल्ली को मैं अपने साथ अपने वतन ले जाऊंगा। इस बिल्ली को मैं अपने साथ अपने वतन ले जाऊंगा। क्या बात है, बड़ी प्यारी बिल्ली है। गए होटल रूम में, गए, रात हुई, आँख बंद हुई, हुजूर ख्वाब में आए। जैसे ख्वाब में आए, क्या बात है, क्या कहना, फरमाने लगे, क्या कहना, ऐ मेरे आशिक, आहा, क्या तुझे मेरे दर की बिल्ली अच्छी लगी? अरे वाह, या रसूल अल्लाह, आपके दर की बिल्ली मुझे बहुत अच्छी लगी। बात है, क्या अपने साथ अपने वतन ले जाना चाहता है? या रसूल अल्लाह, हाँ मैं अपने साथ वतन ले जाऊंगा। सरकार ने फरमाया तो सुन,
जब से तूने इरादा किया है कि इस बिल्ली को मैं अपने साथ वतन ले जाऊंगा, तब से रोजाना ये बिल्ली मेरे दर पर आती है, आकर रोती है और एक ही बात करती है, उठ के जाऊं कहां मदीने से, क्या कोई जितने लोग जो खड़े हैं, अगर मदीने वाले आका पर जितनी मोहब्बत करते हैं उतनी जल्दी बैठ जाएंगे। माशाल्लाह बेटे बेटे सीधा हाथ उठा कर बोले सुभान अल्लाह, अच्छा है भाई बहुत। और दिल फिदा